तो फ्रेंड्स चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, पैकिंग फ्लिपकार्ट की तरफ से काफी अच्छी आती है। इसको डिलीवरी के लिए उन्होंने वैसे शेड्यूल जो बताया था वो डिफरेंट था, पर उन्होंने मुझे अर्ली डिलीवरी दे दी है। देख सकते हैं इस तरह का कुछ बॉक्स है। ये इनवॉइस है, प्राइसिंग की बात अपन बाद में करते हैं। पैकेजिंग मटेरियल है, ये डिफरेंट है पर अच्छा है। ये माउस है जो मैंने ऑर्डर किया था, HP Z3700। कुछ इस तरह की पैकिंग है, इसको मैं साइड कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा लुक एंड फील में तो काफी अच्छा दिख रहा है। ये माउस चपटा टाइप का है थोड़ा। मेरे पास एक माउस और है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये थोड़ा सा इस डिजाइन में है, लॉजिटेक का है, उससे थोड़ा सा ये डिफरेंट है। HP का ही मैं सेम लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि चलिए इस बार HP का ही माउस ऑर्डर करके देखते हैं। तो आइए इसको अनपैक करते हैं। तो ये हम खोल रहे हैं इसको, तरह का कुछ अंदर इसमें आपको देखने को मिलेगा। यूजर मैनुअल है HP की तरफ से, ये तो कुछ वारंटी का डॉक्यूमेंट है। ये उसका नॉर्मल मैनुअल, बेसिक इंस्टॉलेशन आपको कैसे करना है ये इसमें सब में मेंशन है, और एक बुकलेट सॉर्ट ऑफ। इसके साथ इसकी बैटरी भी आई है, आप देख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इसमें सिर्फ एक सेल लगती है। अब इसको मैं और ओपन कर लेता हूं। HP ब्रांड का है तो ऑब्वियसली इनमें एक स्टैंडर्ड है हर चीज का, प्रोडक्ट में भी, पैकेजिंग में भी। तो आप देख सकते हैं ये माउस है, मैंने गोल्ड फिनिश में लिया था। सिल्वर फिनिश चाहता था मैं लैपटॉप के उसका, बट सिल्वर फिनिश उस टाइम अवेलेबल नहीं था। आप देख सकते हैं ये HP का है, मॉडल नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया Z3700 है। काफी सुंदर है, काफी अच्छा है दिखने में, और ये फिनिश भी बहुत अच्छी है इसकी। एक सेंटर में इन्होंने ये भी दिया है, और ये कोई क्लिक नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली एक हल्का सा उसको प्रेस करेंगे तो एक प्रीमियम जो एक साउंड आता है वैसा फील होता है। बीच में स्क्रॉल है। चलिए इसमें बैटरी डालते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको लगाने के लिए आपको हल्का सा पीछे से ये टिल्ट करना है फ्रंट में, और ये ऐसा ओपन हो जाता है। बैटरी भी इसके साथ जो आई है वो ये है, एनर्जाइजर मैक्स करके है। इसको लगा लेते हैं, देख सकते हैं काफी स्मूथली ये फिक्स हो गया है। अब मैं इसका कवर, आप देखिएगा हल्का सा इसको कवर आप ऐसे रखिए, ऑटोमेटिकली ये मैग्नेटिक जैसा फील आता है। ये देखिएगा अपने आप, तो ये इसका काफी एक अच्छा है। देख सकते हैं आप यहाँ पे लाइट आ गई है, ये बेसिकली चालू हो गया है माउस। दिखने में, फील में काफी अच्छा है, प्रीमियम है, और ये पूरा हाथ कवर कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें सेंसर लगा लेता हूं।
ये इसका एक रिसीवर है। चलिए अब इसको लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं। मेरा लैपटॉप है, पहले से लगा हुआ रिसीवर मैं निकाल देता हूँ। अभी नया वाला लगा रहा हूँ रिसीवर। अभी बता रहा है डिवाइस सेटअप कर रहा है ये। मेरे लैपटॉप में वर्क कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आप मेरा कर्सर देख पा रहे होंगे। कैमरे का रिफ्लेक्शन है इसलिए स्क्रीन थोड़ा सा ऐसा आ रहा है। इसमें कोई क्लिक की आवाज़ नहीं है। ये बहुत प्रीमियम फिनिश और बहुत प्रीमियम साउंड दे रहा है। ब्लू लाइट है। ओवरऑल मैं इसको आउट ऑफ 10 8 दूंगा। काफ़ी अच्छी क्वालिटी, अगेन HP ब्रांड, अच्छा है। आई वुड सजेस्ट आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आप कोई लोकल ब्रांड नहीं लेना चाहते या एक लॉन्ग टर्म या ड्यूरेबल प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली HP आप ऑप्ट कर सकते हैं। स्पेशली इसका वायरलेस माउस, क्योंकि मेरे जैसे जो वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल है, पूरा टाइम इसको ऐसे करके करना भी एक थोड़ा सा टायर्ड टाइप का फील आने लगता है। तो आप माउस को आराम से रिलैक्स होके भी, एक डिस्टेंस के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अनबॉक्सिंग वाला अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस बारे में डिस्कस भी कर सकते हैं जो इसी प्रोफाइल में, उनको थोड़ा हेल्प मिलेगा। और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ठीक रहें। धन्यवाद।